कहानी है। और अब कांग्रेस को अगर सही में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस पार्टी हमको समर्थन दे, बीएसपी को समर्थन दे कांग्रेस पार्टी। बालाघाट में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के नामांकन दाखिल करने पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस महिला अनुभा मुंजारे को सलाह दी थी कि वह भाभी हमें मिलकर कंकर मुंजारे को हराना है। भाभी आप घर जाओ तो भैया को बताना कि जीतू पटवारी सार्वजनिक मंच से कहकर गए हैं कि संविधान को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दे, क्योंकि विधायक अनुभा मुंजारे के पति कंकर मुंजारे बालाघाट सिवनी लोकसभा से बसपा से प्रत्याशी है। जरा देखिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने क्या कहा। मेरी भाभी, भाभी मुंजारे जी को हराना है, ध्यान रख लेना। भाभी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। ये लड़ाई उस एससी एसटी ओबीसी गरीब अपर का है जिसके लिए संविधान का भी संकट है। आप भी कांग्रेस पार्टी का साथ दें। जब हम टिकट बांट रहे थे तो आप पे भी हमने विचार किया था। नहीं किया ऐसा नहीं है तो मैं सार्वजनिक रूप से भाभी आप घर जाओ तो बताना कि मैं माइक पे बोल के गया बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने जीतू पटवारी के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि जीतू पटवारी को समझ नहीं है। वह विधानसभा चुनाव में 35,000 वोटों के अंतर से हारे हैं, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनकी बातें बचकानी है। सही में कांग्रेस भाजपा को हराना है तो बीएसपी को समर्थन दे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का बंगला तक खाली नहीं करा पा रहे हैं और इसको उसको कहते हैं कि मैं क्या करूं। तो क्या कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए, जिसको लेकर विधायक संजय उइके, विक्की पटेल, अनुभा मुंजारे, पूर्व सांसद बोर्सी भगत और पूर्व विधायक हिना कावरे प्रत्याशी बदलने को लेकर दिल्ली गए थे। अब ये लोग जनता से कैसे वोट मांगेंगे। जीतू पटवारी भी बहुत जूनियर है, उनको समझ नहीं है। उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जो इतने वोटों से हारे हुए हैं, 35,522 वोट से हारे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को और कोई नहीं मिला तो उनकी बातें ये सब बचकानी है। और अब कांग्रेस को अगर सही में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस पार्टी हमको समर्थन दे, बीएसपी को समर्थन दे कांग्रेस पार्टी। और अब लोकतंत्र को बचाने की बात करें आगे, भाई जीतू पटवारी ने खुद ही बोला है कंकर मुंजारे को हराओ, वो बीजेपी को हराने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने देखा है जो सुना है कि कंकर मुंजारे को हराओ। अब भाभी जी ठीक है ऐसे वो बात कर रहे हैं तो इस समय कंकर मुंजारे को हराओ मतलब बीजेपी को जिताओ। हम बोल रहे हैं कि बीजेपी को जिताओ, कांग्रेस बोल रही है कंकर मुंजारे को जिताओ। इससे आप समझ जाओ। इससे मैंने बार बार कहा है कि ये सेटिंग करके टिकट दी गई है सम्राट को सरस्वार को। वो पंचायत के 2 साल तक काम जिला पंचायत रहे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग रो रहे हैं, उनके नाम से चिल्ला रहे हैं। वो अपना बंगला जो उनको दिया रहने के लिए यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष की हैसियत से, वो खाली नहीं कर पा रहे हैं। वो रो रहे हैं, इसके उसके पास जा रहे हैं। खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई मानता ही नहीं है। खुद ही बोल रहे हैं, कितने लोगों के पास बोल दिया उन्होंने। तो वो आदमी जिसको कोई चेहरा पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं, राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो ऐसे आदमी को आप मिला दिया। कांग्रेस के पास और कोई नहीं था। हम तो इसलिए गए थे कि लोगों की बहुत डिमांड थी कि आप कांग्रेस से लड़ो, कांग्रेस से लड़ो। उनके कारण हम चले गए, तो हम कभी जाने वाले थे क्या? लोगों के दबाव में हम गए, चलो इनकी बात मानो। लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया जनता की भावना का भी और हमारे साथ भी। अब जो लोग कांग्रेस के लोग गए थे कि भाई टिकट बदल दो सम्राट की, 3 विधायक गए थे, उसमें अनुभा मुंजारे भी थी, उसमें हिना कावरे भी थी, उसमें विक्की पटेल भी था और वो आपका इनका अध्यक्ष भी था संजय सिंह के और बोसिंह भगत भी थे। अब इन्होंने ये बदलने जा रहे हैं, ये बोलने जा रहे हैं कि भाई ये उम्मीदवार ठीक नहीं है, ये खराब है, इसको हटाओ, दूसरे को लाओ। और पार्टी ने इनकी बात नहीं मानी। अब वो मुंह लटका के आए वहाँ से मुझे वो चेहरे लेकर के। अब वो चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, अब ये अच्छा है इसको वोट दो। वहाँ जाके बोल रहे खराब है इसको हटाओ।
अब यहाँ के बोलेंगे अच्छा इसको वोट दो। ये मिलजुल के वो काम कर रहे हैं बीजेपी के साथ सेटिंग करके, और सेटिंग कर ली उन लोगों ने, कोई इनको कोई मतलब नहीं है जनता से, कोई विकास से कोई मतलब नहीं जनता के। मतलब आप कांग्रेस को ही ऑफर दे रहे हैं आपको समर्थन? कांग्रेस समर्थन दे, अगर लोग तुमको बचाना सही में आपकी नीयत साफ है तो बीजेपी के जो है बीजेपी को हराना है तो समर्थन दे हमको। कांग्रेस की वैसे भी जमानत जब्त हो रही है, बचा नहीं पाएगी जमानत, पैसे दे दे के 300-300 रुपये लोगों को देख बुला रहे हैं आप, हार खरीद के पहुँचा दुकान में कि हम बाहर पहना देना आप। ये राजनीति चल रही है, ऐसे राजनीति करो जनता, हम जनता को फंसने नहीं देंगे हम, और जनता की आवाज़ बन के लोकसभा में जाएंगे, हमको पूरा भरोसा है उनके आशीर्वाद पे, उनके सहयोग से जाएंगे और यहाँ जनता की आवाज़ हम लोकसभा में उठाएंगे। हाथी लोकसभा में पहुँचेगा, हाथी आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।